ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਸਲੂਨ ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है सारा कुछ तक नाल मैं शेयर कराँगी सो तुसी मेरे सारे व्लॉग्स नू एंड तक देखना एक लाइक शेयर करना नहीं कर भुलना तो आज दे ही व्लॉग दे विच जिहड़ी मेरी शॉपिंग सी जिहड़ी मैं बेबी दी कीती सी ओदा अटैच कर दांगी मैं वीडियोज तो उम्मीद है जी तुहानू मेरा अज दा व्लॉग पसंद आया होएगा तो टिकटॉक ते भी मैं उन्हां दी आई डी मैनशन कर दवांगी उन्हां दा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दवांगी तो अगर किसी ने मुल्तान दे विच उन्हां दे कोलों सर्विसेज लैनी हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦ ਵੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा जी इतने हूँ मैं पहुँच गई हूँ पार्लर के बीच अच्छा जी यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ जी सलोन वालों के मैं आपको दिखाती हूँ सलोन इतना मज़े का इतना प्यारा है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज लेने आई हूँ और टिकटॉक पे भी साथ साथ ही आपको जो है वो मैं अपडेट करती रहूँगी सो मिलते हैं जी अब आपको सलोन के पूरी लुक दिखाती हूँ और कौन कौन सी सर्विसेज लेने आई है वो भी दिखाती हूँ जी अपना हेयर प्रोटीन और आपके साथ ज़रूर रिजल्ट्स जो है वो मैं शेयर करूँगी और आपको बिफोर जो है वो मैं दिखा देती हूँ कि अभी मेरे बालों की कंडीशन क्या है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे मेरी तरह क्योंकि पहली दफ़ा जो बंदा आता है ना उसे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या होगा लेकिन आप सबको जो है वो मेरी तरह रिजल्ट्स का इंतज़ार करने चलेगा पड़ेगा और हूँ असं चलते हैं जी घर फिर तुम पूरा ब्लॉग अगर दिखावे कि हम अभी कितने जावे तो रिजल्ट भी तुम देख लिया मैंने उम्मीद है थानू ब्लॉग जरा बहुत ज़्यादा पसंद आया है हूँ असी थानू मिलते हैं जी घर पहुँच के अच्छा जी अभी हम जा रहे हैं जी घर पे सूरभ की टाइम है जी 5:30 बजे का यस 5 बजे का शाम का और सर्विस उन्होंने सर्विसेज जड़िया से सच्ची बहुत मजे दी सी बहुत सैटिस्फाइड उन्होंने किया मैंने अपनी सर्विसेज के नाल और दूसरी गल आह कि स्टाफ बहुत अच्छा था ठीक है अच्छा जी चूँकि असं आए हैं जी गुलगंज तो सैम ने जो है वो इस फूड ब्लॉगर की जो कि है मुल्तान का उसकी वीडियो देख ली है और अभी जो है वो सैम जा रहे हैं कि मुझे भी वही खाना है यही स्वीट्स और पता नहीं क्या कुछ यही जो डिज़र्ट्स हैं यही खाने हैं जी सैम को और हूँ असी पता नहीं कितनी दूर आ गए से तो सैम दोबारा हूँ मोड़ रहे हैं दोबारा असी वीडियो काट के बैठी है सैम जो है वो मीडिया के इतने शौकीन हैं हूँ जाने हैं
ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਹਾਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਆ ਇਧਰ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਭੀ ਜਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ खुशी का ठिकाना नहीं ये तो इतना ही। हाँ जी सैम, की फीलिंग्स है तड़ी? फीलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि मैं बहुत से बाद शादियों में वाला कस्टर्ड खाने लगा। जैसी बात ये कि हमारे पास हमारे साथ ये सीन हो गया कि हमारे पैसे तो थे अकाउंट में जायज़ कैश में, लेकिन हमारे पॉकेट में कैश था 440 का और हमारा बिल बना था 500 का। 60 रुपीज़ जो है वो हमारे कम थे, तो भाई की मैंने मिन्नत की लेकिन हमारे साथ ये और अभी अपने मान से लिए पैसे मान शर्मा रहे हैं और मान से मैं उधार पैसे लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे जो है वो बीफ पुलाव आ गया, तो बीफ पुलाव आ गया, अभी हम कस्टर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आई रियली थैंक्स अ लॉट, ही इज़ अ प्रोवाइडर एंड ही ऑलवेज मेक अवे फॉर हिज पीपल एंड थैंक्स गॉड ही प्रोवाइड मी दिस फूड। एंड अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन यहाँ पर कमल की फीलिंग भी बहुत बहुत दुखी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गई है। थक इसलिए गई है क्योंकि ये थक इसलिए गई क्योंकि 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, नहीं 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं जो कि ये पार्लर में थी, और अभी ये बिल्कुल थक गई है। और अभी ये कस्टर्ड भी आ गया हमारे पास, सो अभी हम ये खाने लगे हैं और बताते हैं आपको। सोच ही होना से आ गए हैं जी वापस घर, तो मैंने उम्मीद है जी थानू मेरा आज का व्लॉग जरा बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। हूँ अगे थोड़ी भैन थानू दिखाने लगी जी अपने बेबी के कपड़े, तुम सारे ने देखने हैं, तो मैंने उम्मीद है जी थानू मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के विच, बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। अपनी ब्लेसिंग्स भेजना नहीं भूलना, ठीक है? लेगिंग्स, और ये है जी उसका ट्राउजर, ये है जी यहाँ पे उसके फेस टॉवल। हूँ आ चीज़ा जड़िया थानू निशा जी खोल खोल के दिखाएगी, मैं वीडियो बनावांगी। अच्छा यहाँ पे हैं जी 3 कलर के स्वेटर्स जो कि हमने लिए, एक येलो, एक ग्रीन और एक स्काई ब्लू था, निशा पीच कलर था। दरअसल साथ साथ पैकिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो लंबा होगा, ये पीच कलर का है, मेरे हाथ कितने काले लग रहे हैं। अच्छा जी बेबी के पप्पो जो है वो आप सबको कपड़े दिखाने में मेरी हेल्प कर रही है। एंड यहाँ पे जो है वो एक हमने पीच कलर का सूट लिया, ये भी वुलन में है। एंड ये है जी, ठीक है। अच्छा जी एक सूट ये है, ये वाला सबसे ज़्यादा फेवरेट है जी सैम का। अच्छा एक ये हमने बॉडी सूट लिया है, ठीक है, 7 पीसेस हैं इसके, तो ये असी लिया सी जी बेबी केयर तो, ठीक है। और इसके प्राइस यहाँ पे लिखे होंगे 1850, ठीक है। और ये जो है ये हमने लिया था जी क्या नाम है जी शॉप का, मैंने उन्होंने बच्चा पार्टी से, ठीक है। और इसके प्राइस थे जी 2000 शायद, अभी लिखे नहीं हुए यहाँ पे। और ये हमने लिए हैं जी 3 सूट, और ये है जी बेबी बैग हमने लिया है, ज़्यादा जिप्स की वजह से लिया है जी, जिपर ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा ये हमने लिया है जी बेडिंग वाला सीन, ये बेड है जी बेबी का, और ये है जी उसका इनू की कहते सैम बेबी बेबी कॉट, पता नहीं हूँ मैंने याद नहीं इनू की कहते, लेकिन हमने ये लिए हूँ मैं थानू अपना देख दिखानी मेकअप। अच्छा जी आ जेड़ा सारा मेरा मेकअप आ जेड़ा मैं आज लैके आई हाँ, तो अच्छा जी आज ही लेके आंदी है जी स्किन पॉलिश है, उसका वॉल्यूम है, ये सूतिंग लोशन है, ये शाइनर है, और आ हैगा वा जी द पाउडर। उन्हें क्या तुसी की ना वहाँ स्टेफी
शाइनी वाले का। वो कहते जी तुम यदा रिजल्ट थानू बहुत अच्छा लगेगा। ईवन मैं ड्यू वाले की मंग रही थी क्योंकि वह तो रिजल्ट मैंने पता से कहते थानू आ भी अच्छा रिजल्ट देगा तो अ ट्राई करो। सो असं आ लैके आए हैं तो हूँ असं जो करा ना मैं थानू भी दावगी कि जी। उम्मीद है जी थानू मेरा शॉपिंग का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होएगा तो हूँ अगे भी असं जी शॉपिंग करांगे वो थानू नाल नाल ही दस देंगे क्योंकि मैं होर ज़्यादा सस्पेंस जिहड़ा क्रिएट नहीं करना चाहनी। सो जी इत्थे थोड़ी बहुत असी पैकिंग शैकिंग कर ली क्योंकि अभी हमने जो है वो बैग वगैरह ऊपर से नहीं उतारा जिसमें सारा कुछ रखेंगे ठीक है। सो हूँ असं इन्हों इदा ही रहन देंगे सुबह जो दोबारा पैकिंग कर लगूंगे ना दूसरे बैग के फिर थानू सारे दावगी। सो मिलते हैं जी हूँ नैक्सट नैक्सट ब्लॉग के टिल दैन बाय बाय टेक केयर एंड खुदा हाफिज। छोटा जहा ब्लॉग मैंने उम्मीद है थानू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तुसी सारे ने बहुत सारिया मैनू मेरे लिए तो मेरे काके लिए बहुत सारिया दवावां करनिया वा सानू ढेर सारिया ब्लैसिंग्स भेजनिया वा तो मैंने उम्मीद है थानू शॉपिंग छोटी जी थोड़ी जी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आई होएगी ठीक है। सो मिलते हैं हूँ नैक्सट ब्लॉग के।